रतन सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ईश्वर द्वारा राजा के चुनाव की अवधारणा से लेकर आज चयन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच के कालखंड में आदर्शवादिता के डूबते सूरज के पीछे इस विशेषता पर विचार आवश्यक है कि राजनीति में कोई दूसरा स्थान नहीं होता, विजेता सिर्फ एक होता है और श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ होने की प्रतिस्पर्धा ने कहीं न कहीं राजनीति में अनैतिकता और अनीतियों को स्थान देना शुरू कर दिया। सत्ता के मठाधीश इसे सेवा के स्थान पर स्वार्थ सिद्धि का साधन समझने लगे और बेरोजगारी के इस दौर में राजनीति को ही रोजगार का माध्यम माना जाने लगा और इस तरीके से राजनीति सत्ता शक्ति और संपत्ति के इस त्रिकोण में कहीं उलझ कर रह गई। किसी विशेष योग्यता की मांग न होने से अपराधियों ने इसमें शरण लेना शुरू किया और जरा विडंबना देखी कि आपराधिक मामलों के बाद एक सरकारी नौकरी नहीं मिलती मगर खुद की सरकार जरूर बनाई जा सकती है। और उससे भी बड़ा विरोधाभास ये है कि संसद में अपराधी प्रवृत्ति के सदस्यों की संख्या देखकर हम सभी चिंता जाहिर करते हैं मगर सवाल ये खड़ा होता है कि उन्हें वहां चुनकर भेजता कौन है। मतदान की पूर्व संध्या पर शराब की बोतल और कबाब की थाली के नीचे अपना मत किसी प्रत्याशी के घर गिरवी रखाने का लालच हो या फिर सही और गलत के चुनाव के वक्त आंखों के सामने सारी विद्वत्ता को किनारे कर आंखों के सामने जाति और धर्म का पर्दा भी राजनीतिक मर्यादाओं के टूटने के लिए जिम्मेदार है। विचारधारा की आजादी के नाम पर दूसरों को अपने विचारों के गुलाम बनाने का प्रयास हो, सत्ताधीशों द्वारा बहुमत को एक निश्चित अवधि के लिए तानाशाही का प्रमाण पत्र मान लेने की भूल हो या फिर कुछ चुने हुए विशेष परिवारों अथवा पीढ़ियों से ही नेताओं का निकलना, यानी राजनीति में बैठे लोगों की अयोग्यता और योग्य लोगों का राजनीति से परहेज भी राजनीतिक मर्यादाओं के टूटने के लिए उत्तरदायी है। और राजा के कितने गुण गिनाऊं, निष्कपटता, निष्पक्षता, ईमानदारी, कुशल नेतृत्व सब मानने को तैयार हूं मगर ये सब राजा के गुण हैं और राजा साध्य है जबकि राजनीति साधन। राजा बनने के बाद की विशेषताओं पर तो विशेषज्ञों के कई मत हैं मगर राजा बनने तक के तरीकों पर विद्वानों ने कोई सीमा रेखा तय नहीं की और परिणाम क्या हुआ, 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन पर बैठने वाले को इतिहास अशोका द ग्रेट के नाम से जानता है। सिकंदर महान क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के नीचे न जाने कितने राष्ट्र ध्वजों को कुचल दिया। तो सत्तासीन होने के अमर्यादित तरीकों को नजरअंदाज कर सिर्फ महानता को स्वीकार करने वाला यह इतिहास भी राजनीतिक अस्मिता के बिखराव के लिए उत्तरदायी है। या फिर राजनीतिक निर्वाचन का लोकतांत्रिक प्रक्रिया आज हमने ढूंढ भी लिया तो निष्कर्ष क्या निकला, 21वीं सदी में हम बैठकर आज राजनीति की शव परीक्षा कर रहे हैं और प्राचीन काल के किस घटना में मैं तलाश करूं राजनीतिक मर्यादाओं का, क्या राजतिलक से ठीक पहले राम के वनागमन के पीछे महल के किसी कोपभवन की राजनीति नहीं थी या फिर महाभारत के युद्ध से पहले किसी राजनीतिक चरित्र का गिरना बाकी रह गया था, किस घटना में मैं तलाश करूं नैतिकता की आत्मा का, भारत पर आक्रमण के लिए जयचंद द्वारा गौरी को दिए गए आमंत्रण पत्र में या आज के राजनीतिक दलों के बेमेल गठबंधन की रस्सी में, अरस्तु के सर्वोच्च विज्ञान वाली परिभाषा में या फिर व्यवहारिक राजनीति के साम दाम दंड भेद की कूटनीति में। और साथ कुछ एक उदाहरण अगर मिलते भी हो राजनीतिक शुचिता के तो रसायन की भाषा में उसे अपवाद कहा जाता है और अपवाद कभी अवधारणा नहीं बनते। तो आज के विषय का एक विचारणीय पक्ष ये भी है कि जिस आदर्शवादिता की बात हम कर रहे हैं वो विद्वानों की लेखनी के सिद्धांतों से निकलकर कभी धरातल पर आई भी या नहीं, राजनीति में उनका विलोपन आज हुआ या फिर वो अस्तित्व में कभी थे ही नहीं, और अगर कभी नहीं थे तो आज के परीक्षण का परिणाम यही है कि राजनीति मृत नहीं अभी जिंदा है, ये उसका शव नहीं दूसरा स्वरूप है। और यदि हमें लगता है कि वाकई नैतिकता की देह ने नैतिकता की आत्मा ने राजनीति की देह को त्याग दिया है तो इसके लिए राजा भी दोषी है, प्रजा भी, शासक भी, शोषित भी, नीतियां भी, नेतृत्व भी और सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति के बीच का फर्क भी। हर जिह्वा जिम्मेदार है हर हाथ की चोरी पर, हर ईंट उत्तरदायी है शीर्ष की कमजोरी पर, सिर्फ जल की बूंदों से शिकायतें करना छोड़ पूरा सागर दोषी है एक प्यासे की मृत्यु पर।